दोस्तों, जब आप हेसम रिवेन्यू का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, जो हेसम आरसी का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। हाँ दोस्तों, हेसम आरसी का अकाउंट बहुत जरूरी है, जिसे हमें पता चल जाता है कि हमारा एनआई नंबर कौन कौन सी कंपनी में यूज हुआ, कहाँ कहाँ यूज हुआ, और हमारा साल का ग्रोस क्या हुआ, हमने साल में टैक्स कितना पे किया, और हमारा करेंट एड्रेस क्या है, वो हमें पता चल जाता है। और इसमें से आप चाहो तो अपना एनआई नंबर भी नया डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, और आप चाहो तो लास्ट ईयर की प्ले 60 पर आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों, हाँ, हेसम आरसी का अकाउंट बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप हेसम आरसी का अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को डेस्कटॉप के ऊपर लाइव नहीं जाके लाइव अकाउंट ओपन करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, स्क्रिप्ट मत करना, और जैसे मैं बताता हूं वैसे स्टेप बाय स्टेप अकाउंट बनाते जाना, तो फिर इजीली आपका अकाउंट बन जाएगा। चलो समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं, और आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और गूगल में लिखिए हेसम आरसी, और जो पहली वेबसाइट है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप डाउन साइड चले जाइए, नीचे चले जाइए, और जहाँ जहाँ सर्विस लिखा हुआ है उसके नीचे हेसम आरसी ऑनलाइन सर्विस लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहां जो नीचे क्रिएट लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो आप ईमेल एड्रेस रखना चाहते हो वो ईमेल एड्रेस टाइप कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद जो आपका ईमेल एड्रेस आपने टाइप किया था वो ईमेल एड्रेस में जाके एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा, वो कोड आप टाइप कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जो ये बॉक्स आया है इसमें आपका फुल नेम लिखिए, टाइप कीजिए, और उसके बाद कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए। जो आप पासवर्ड रखना चाहते हो वो टाइप कीजिए और कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए, और देखिए आपका हेसम रिवेन्यू का आईडी नंबर आ गया है। ये आपका हेसम आरसी का अकाउंट नंबर है, ये किसी को शेयर मत कीजिए, और उसको पिक्चर खींच लीजिए या आप लिख लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, जो पहले वाला है इंडिविजन इसके ऊपर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट वाला कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, यस पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जो आपका यूके का मोबाइल नंबर है वो टाइप कीजिए और सेंड पे क्लिक कीजिए, और जो आपका मोबाइल नंबर पे एक कोड आया है वो कोड यहाँ टाइप कीजिए, और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और आपका फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आप फर्स्ट वाले पर क्लिक कीजिए, और आपका जो नेशनल इंश्योरेंस नंबर है वो टाइप कीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। जो आप ऐप के जरिए वेरीफाई करना चाहते हो तो पहले वाले पे क्लिक कीजिए, मगर मैं ऑनलाइन
वेरीफाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दूसरे नंबर पे क्लिक करूँगा और कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए। दोस्तों जी हाँ, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए आया है तो इसमें तीन ऑप्शन है, एक ड्राइविंग लाइसेंस है, एक पासपोर्ट है और एक क्रेडिट रेफरेंस नंबर है। हम लोगों को तीन में से दो सिलेक्ट करने हैं, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट रेफरेंस पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे पास यूके की पासपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं ड्राइविंग लाइसेंस और क्रेडिट रेफरेंस पे क्लिक करूँगा। और ड्राइविंग लाइसेंस में इंग्लैंड वाला ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए, यस पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए और आपका यूके का जो एड्रेस है वो फाइंड आउट कीजिए और कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए। एक बार देख लीजिए आपका एड्रेस सही है तो कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक कीजिए और जो आपका नेक्स्ट एड्रेस है, जो आप कहीं पहले रहते थे वो एड्रेस इसमें से फाइंड आउट ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए। आप लोगों ने अपना मोबाइल पर्सनल मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट कब लिया था, जो आपने लिया हो उसके ऊपर क्लिक करना। मैंने 2 साल पहले लिया था इसलिए मैं सेकंड वाले ऊपर क्लिक करता हूँ और कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ। और आपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड कब लिया था इसके ऊपर क्लिक करना है, तो मैंने 5 साल पहले लिया था इसलिए मैं 5 साल पहले वाले लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ। पर्सनल लोन में जो आप लोगों ने जहाँ भी जब ली है उसमें क्लिक कर देना। मैंने 6 साल पहले लिया था इसलिए मैं लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ। आपका ईमेल एड्रेस कब बना है उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस पुराना है, 6 साल पहले का है, तो मैं लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ, यस पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए। जो ड्राइविंग लाइसेंस में सरनेम है वो एक्सपायर डेट और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डाल दीजिए और जो 2 डिजिट नंबर है वो टाइप कर दीजिए और उसके बाद कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए, फिर से कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए। ये आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए या कंटिन्यूस पे फिर से क्लिक कीजिए। और जो आप लेटर पोस्ट में चाहते हो तो पोस्ट पे क्लिक कीजिए। मैं ऑनलाइन चाहता हूँ इसलिए मैं ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ। और जो ईमेल एड्रेस है वो आपका डाल दीजिए और कंटिन्यूस पे क्लिक कीजिए। और जो आपने ईमेल एड्रेस डाला है वो ईमेल पे एक लिंक आई होगी, वहाँ जाके ईमेल वेरिफिकेशन कर दीजिए और क्लोज पे क्लिक कीजिए। देखो दोस्तों, आपका अकाउंट सक्सेसफुल बन गया है, अब अपनी डिटेल से कर सकते हो। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों जो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, जरूर कमेंट करना। और जो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और ऑल पर क्लिक।